बाकी ये रिवर जो ये है जगह, ये डिवाइड करती है भारत और बांग्लादेश को। उसके बाद वो झंडा है, तो उसके बाद फिर वो सारा एरिया इंडिया में है, इधर बांग्लादेश में। अब हम जा रहे हैं 0 पॉइंट पे, जहाँ पे मेघालय में भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर। भाई इस बॉर्डर की तरफ तो रास्ता तो ऐसी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वो सारे पत्थर ढोने वाली गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, और ये पुराने फिल्मों की याद दिला रही है मुझे। यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा था कि विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। तो मैंने पूछा ऐसे लोकल से, तो बोले आप जा सकते हो। सर कैन आई गो देयर? सर कैन आई गो देयर? यस। ये है 0 पॉइंट भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर और तमाबिल बॉर्डर, और इसके बाद सारा एरिया बांग्लादेश में आता है, इधर से इंडिया में। और बाकी ये रिवर जो ये है जगह, ये डिवाइड करती है भारत और बांग्लादेश को। उसके बाद वो झंडा है, तो उसके बाद फिर वो सारा एरिया इंडिया में है, इधर बांग्लादेश में। और ये है इंडिया का गेट तमाबिल 0 पॉइंट। इसके इस तरफ बांग्लादेश है और इधर इंडिया, और हम हैं 0 पॉइंट पे। और यहाँ पे जाने के लिए अभी बॉर्डर रोड बंद है। अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो आप 10 से 5 बजे तक बांग्लादेश घूम के आ सकते हो। आपको BSF को पासपोर्ट दिखाना है और उधर दिखाना है, आप 10 से 5 बजे तक आप बांग्लादेश घूम सकते हो। पर इस टाइम पे बॉर्डर बंद है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण और भी किसी कारण से, तो अभी नहीं जा सकते। अब मैं जा रहा हूँ कांगसूरी वाटरफॉल पे, और यहाँ से अराउंड 29 किलोमीटर। तो उधर ही चलते हैं, यहाँ से सारा पत्थर बांग्लादेश जाता है, और इस रोड का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये सारे पत्थर ढोने वाले बड़े बड़े ट्रक हैं। मैं ये सोच रहा हूँ इन ट्रक का 2-3 नंबर आता क्या बांग्लादेश में पड़ने का, इतनी लंबी लाइन है। जब से चला हूँ तब से लाइन ही लाइन है, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी, जैसे ही ऊपर आए हैं थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, और हवाएं थोड़ी ठंडी लग रही हैं, बादल भी आ गए हैं थोड़े थोड़े। हम फिर से पहाड़ी के टॉप पे आ गए हैं। ओहो, यहाँ पे क्या हवा लग रही है यार, मज़ा ही आ गया। और ये खेत देखो कितने प्यारे बनाए गए हैं, ये खेत क्या बोए हुए पता नहीं। लगभग स्टॉप पॉइंट पे तो आ गए हैं, क्रांगसूरी पार्किंग अलॉट। आपको हर कोई इंग्लिश तो जानता है, हिंदी कोई नहीं जानता, हिंदी जो रेयरली कोई जानता है। जहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट आते हैं तो उस जगह पे, तो डॉकी में लगभग हर कोई जानता था, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश के लोग आते जाते रहते हैं या फिर सारे तरह के टूरिस्ट आते हैं, पर वहाँ पे हिंदी जानते हैं, बाकी कहीं नहीं जानते हैं। वो लोग बहुत अच्छे हेल्पफुल हैं। और यहाँ पे अगर आपने कुछ सामान छोड़ दिया है, पार्किंग की फ़ीस ज़्यादा है, बट अगर आपने कुछ सामान छोड़ दिया है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, SGT रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखो कितना सुंदर जगह बनाया हुआ है। ऊपर से मैंने व्यू देखा तो पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है,
और डाउकी में फिर भी थोड़ा सा ना वो होने लग गया था पानी, थोड़ा थोड़ा गंदा क्योंकि बरसात शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और फिर जो दूसरी साइड था जहाँ पे बिल्कुल पानी क्रिस्टल क्लियर था वहाँ पे मैं गया नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको बोट से जाना होगा और मुझे वो करनी नहीं थी और ऐसा मुझे कुछ वो नहीं था कि मेरे को वहाँ पे जाना है। बट यहाँ पे एक बोट चल रही है और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो ये बहुत सुंदर जगह लगी है मुझे। तो मैंने सही करा, उसे छट दिया कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना, और ये जगह बहुत प्यारी है। एंट्री टिकट है 50 रुपीज, और अगर आपको बोटिंग करनी है तो आपको 200 एक्स्ट्रा देने होंगे, और अगर आपको लाइफ जैकेट वगैरह लेनी है तो उसके 30 रुपीज़ ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ का ये रेट है। और ये वाटरफॉल बहुत प्यारा है बहुत, और ऊपर बोटिंग हो रही है और पानी को रोका हुआ है ऐसे छोटा सा बांध बनाया हुआ है, उधर सारी पूरी रिवर है, पानी देख रहे हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और नीचे का सब कुछ दिख रहा है। अभी ये डैम सा बनाया हुआ छोटा सा नदी के पानी को रोकने के लिए, उधर पूरा पानी भरा हुआ है और इधर थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, और जिससे ये वाटरफॉल बना हुआ है नीचे आगे, और रेनी सीजन में तो भर जाता ही है। पता नहीं वो सब दुकानें बंद सी क्यों हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये देखिए ये पानी, और यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल साफ पानी यार, मज़ेदार व्यू। और अब हम जा रहे हैं सीसी वाटरफॉल, यहाँ से 8.6 किलोमीटर है, और यहाँ पे मुझे बंदा मिला तो कहता है कि वो बहुत सुंदर है आप वहाँ पे जाइए, तो वहीं पे जाते हैं डायरेक्ट। और बस यहाँ से 8.6 किलोमीटर है, क्या खाने को मिलता है, भूख लगी है यार। हेलो हेलो, लंच अभी मुझे मिले मोमोज, और ये पोर्क मोमोज हैं और 5 रुपये का एक पीस। तो ये बोले कि, मैं बोला मेरे को पता नहीं है कितना बड़ा है तो मैं ऑर्डर करता हूँ, फिर छोटे छोटे स्मॉल है, मैं समझा स्मॉल ज़्यादा छोटे हैं, पर देखो फिर भी साइज बहुत बड़ा है। तो मेरे को मिले पोर्क के हैं मोमोज और 5 रुपये का एक पीस है, तो इंटरेस्टिंग है। तो पहले खाते मोमोज, बहुत दिन हो गए थे मुझे मोमोज खाए, कि आपको फ्राइड चाव खाने, मैंने कहा फ्राइड चाव मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्या आप जानते नहीं फ्राइड चाव क्या होता है, मैंने कहा नहीं, तो कहते हैं चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे मैंने दिखाया तो चाउमीन थी, तो मेघालय में चाउमीन को और यह नूडल्स को फ्राइड चाव कहते हैं। भाई साहब बहुत टाइम के बाद ना मोमोज खाए और मज़ा आ गया, और फर्स्ट टाइम मैंने पोर्क के मोमोज खाए हैं। ये अगस्त में आएंगे तो हर जगह ना ऐसे पानी बहता दिखेगा आपको, हर जगह इतना पानी दिखेगा हद से ज़्यादा। मुझे कह रहा है यहाँ से पैदल जाना होगा फीसी वाटरफॉल के लिए, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर जाएँ, तो मुझे आगे चल के पूछना होगा किसी से, कोई बंदा मिल जाए। लगता है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग ही करनी पड़ेगी, गूगल मैप सही दिखा रहा है बट रास्ता थोड़ा बहुत भटका रहा है, ज़्यादा नहीं भटका रहा है, और उधर तक जाने का ही समझ नहीं आ रहा है, ये गूगल मैप दिखा रहा है और इधर कोई मुझे रोड कट दिखानी है। वाटरफॉल फेफे वाटरफॉल फेफे वाटरफॉल, हाँ है उस तरफ है, और गूगल मैप मेरे को उधर दिखा रहा है।
गूगल मैप मुझे उधर दिखा रहा। उधर दिखा? हाँ। ओ उधर से अंदर से। कितना कितना गए? करांगसूरी से पहले। ओके। वाटरफॉल बोला? हाँ, फेफे। फेफे? अब मैं जा रहा हूँ फेफे वाटरफॉल, और यहाँ का एग्जैक्ट कोई रास्ता अच्छी तरह बना हुआ नहीं है, तो वो कहता है कि आपको गाइड दे देते हैं, उनके साथ चले जाओ ये वो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं जाता हूँ सोलो, और यहाँ पे कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, ये पंगा है मेरे लिए, तो देखता हूँ कोई रास्ता बने। पर मुझे पता है श्रीवर के साथ साथ ही है जो भी रास्ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जगह देखो कितना प्यारा है। अब यहाँ पे मैंने कैंपिंग का चार्ज पूछा तो बोले 1500। इस रिवर के साथ साथ जाना है हमें, और वहाँ पे ये वाटरफॉल है। आपको मेघालय में कहीं पे भी जाना है तो आपको ट्रैक तो करना ही पड़ेगा, और आप इससे भाग नहीं सकते। और ट्रैकिंग जगह बहुत सुंदर है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सब कुछ रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल सेफ एरिया है। मुझे ये क्रॉस करना है तो जंप मार के करता हूँ, शायद मार जाऊँ जंप। यस। और ये रास्ता थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा अभी, क्योंकि अभी तक मैं जंगल में ही ट्रैक किया, और मैं अब खेतों के साथ साथ कर रहा हूँ खेतों में। मुझे कि नदी क्रॉस करनी होगी, यहाँ से करनी है ये आगे से करनी है मुझे पता नहीं है। तो एक जगह मैं ऊपर आ जाता हूँ, वहाँ पे वहाँ से मुझे कुछ दिखेगा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। और एक रास्ता बना हुआ तो है इधर इधर, तो इसी साथ साथ चलता हूँ। भाई वाटरफॉल गया तेल लेने, ये जगह इतनी खूबसूरत है, मैं तो यहीं पे बैठ के इंजॉय कर लूँगा। नई जगह इधर से करते हैं और उधर आगे है शायद, तो चलते हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। और ये जगह जगह देखो, ये नेचुरल केविंग है, अंदर देखो यहाँ पानी का बहने की जगह है। एक और पानी को ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे, एक डैम से बनाया हुआ है कि ज़्यादा सारा पानी एकदम ना बह जाए और रिवर में पानी रहे कुछ। अंडरग्राउंड एक और छोटी सी टनल होगी, ये पूरा पानी इसके अंदर जा रहा है, इसकी ज़्यादा कहीं निकल जाएगा। और ऐसी बहुत सारी टनल है यहाँ पे, बहुत सारी, और एक उधर भी टनल है ऐसी। और ऐसी जगह जगह पे आपको मेघालय में दिखेगा, बहुत सारी दिखेंगी, और कमी नहीं है इनकी, भरमार है। और एक ये दिख गई है, इस टाइम पे पानी कम है तो मेघालय केविंग के लिए जन्नत है। और हम आगे वाटरफॉल पे, वाटरफॉल जो बहुत प्यारा वाटरफॉल है, और ये पानी है कुछ। और सनसेट के टाइम पे, वाह भाई वाह, मजा ही मजा है। वाटरफॉल को एंजॉय कर लिया, मैं आधा घंटा यहाँ पे बैठा रहा हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, और यहाँ पे कोई नहीं था तो इसलिए बहुत सुकून मिला। और अब वापस जाना होगा मुझे, क्योंकि आधे घंटे का ट्रैक भी है। और ये व्यू देखो, बस सनसेट होने वाला है, सन छुप ही गया लगभग। चलते हैं क्रेम सुंदराई की तरफ, और क्रेम सुंदराई तो बहुत दूर है यहाँ से, 31 किलोमीटर के अराउंड, और रास्ते में करते हैं कैंपिंग।